नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडीज। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है सूचियां। ठीक है, जो तीन सूचियां हैं, राज सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, ये तीन सूचियां जो कि अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, कौन से अनुसूची? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ये तीनों को हम पढ़ेंगे, कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय किसमें आते हैं, सारे कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में बने रही और क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दोस्तों कि इसमें हमने जितने भी 12 अनुसूचियां हैं ट्रिक बन चुकी है, अनुच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण है लगभग सारे कवर कर चुके हैं, और भाग जितने 22 भाग हैं, ठीक है, उसमें भी हम ट्रिक बना चुके हैं बेहतरीन तरीके से। यदि आप एक बार देख लेते हो सच में आपको नो डाउट सारे कुछ याद हो जाएंगे। तो वीडियो आप देखिएगा तीनों पे, यानी आर्टिकल पे, भाग पे और अनुसूचियों पर, जबरदस्त तरीके से आपको याद हो जाएंगे यदि अभी तक आपको याद न हो या कंफ्यूजन रहता हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक करके हमने आपको बताया उसमें। तो चलिए इसको पढ़ते फटाफट से, भारतीय संविधान की सूचियां, ठीक है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। देखिए, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसमें है क्या? केंद्र और राज्य सरकार के संबंध शक्तियों का बंटवारा अनुसूची सात में है, ठीक है, इसी तरह हमने ट्रिक से याद किया, ठीक है। अब देखिए, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें दोस्तों 97 विषय थे जब लागू हुआ था संविधान, तो 97 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट में बात किया जाए तो इसमें 100 विषय हैं। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी आपको याद रखने की ट्रिक एक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पता तो होता है कि हाँ इसमें 97 विषय हैं, 100 विषय हैं, लेकिन कौन किसमें लिंक हो जाए भाई, राज्य में कि समवर्ती में, ये याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, 97 याद रखिएगा और 100 प्रेजेंट में है। अब देखिए, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, नो डाउट सबको पता है, क्योंकि संघ यानी कि केंद्र, ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार बनाती है कानून। वो कानून कौन कौन से किस पे देखती है? देखिए, देश की प्रतिरक्षा, अगर देश की बात आती है तो भाई साहब देश की प्रतिरक्षा रक्षा के बारे में आई तो भाई केंद्र सरकार ही देखिए, ठीक है। अब देखिए, विदेशी मामले, फॉरेन जितने भी होते हैं, इंटरनेशनल मामले, वो कौन देखेगा? नो डाउट आपको पता है, संघ सूची देखिए यानी केंद्र सरकार। अब देखिए, युद्ध एवं शांति, युद्ध की बात अगर करें, युद्ध या इंटरनेशनल जो कि शांति हो, बाहरी शांति के बारे में हो, तो केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है। अगर आंतरिक शांति के बारे में आता तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ राज्य सरकार। और रेल, रेल पूरे मान लीजिए कि इंडिया में चलती है या बाहर भी चलती है, कई कई ट्रेनें जाती हैं बाहर देश के, तो समझ लीजिए किसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर बाहर जा रही देश से समझ ली केंद्र सरकार के बारे में बात हो रही, ठीक है। डाक है, जैसे दोस्तों बाहर से भी पार्सल आते हैं, ठीक है, कुछ, और यहाँ से भी इधर उधर जाते हैं, तो सारे कुछ किसके काम आ जाएंगे? बाहर से आते हैं तो मान लीजिएगा केंद्र सरकार। और तार मतलब वही है, मुद्रा बैंकिंग, देखिए दोस्तों मुद्रा का आप सुने होंगे, जैसे कि यूट्यूबर से डायरेक्ट मुद्रा एक चीज है, तो ये बाहर से डॉलर के रूप में आती है और इंडिया में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होती है, तो सारे कुछ किसका काम है? केंद्र सरकार का, ठीक है, अगर मुद्रा की बात आए। अब देखिए, या फिर मुद्रा अगर कौन छाप सकता, क्या अलग अलग स्टेट का क्या मुद्रा कोई है? नहीं, पूरा जो कि इंडिया का एक ही मुद्रा है यूज होता है, जो कि कौन बनाता है? केंद्र सरकार, ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग तो है नहीं कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग मुद्रा हो को भाई इधर उधर, नहीं ऐसा। अब देखिए, परमाण शक्ति यानी कि जो भी मिसाइल वगैरह किसके अंतर्गत आए हैं, ये सब आप जानते हैं, अगर ये सब किसका काम है? केंद्र सरकार का, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ये सारे विषय आपको याद हो गए, जो भी महत्वपूर्ण विषय थे यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, आता है राज सूची, तो दोस्तों आपको संघ सूची समझ में आ गई, 97 विषय थे लेकिन अब प्रेजेंट में 100 विषय है, ठीक है। अब देखिए, राज सूची आती है, इसमें क्या है? 66 विषय है, ठीक है, 66। अब देखिए, इसमें जो कि अब इसमें घट चुके 61 विषय हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। अब देखिए, हम इसको अभी आपको याद करवाने का तरीका बताएंगे। देखिए, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन अगर वो राष्ट्रीय हित में है तो केंद्र सरकार भी वो कानून बना सकती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? अगर राष्ट्रीय हित में संबंधित केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यदि राष्ट्र के हित में है तो सरकार में भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी राज सूची में बना सकती है। अब देखिए, इसमें दोस्तों इसके राज्य सरकार के कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देखिए बार बारी से पढ़िए, शांति और व्यवस्था, नहीं आंतरिक शांति और व्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों राज्य है, क्योंकि केंद्र सब जगह ध्यान नहीं देगी, तो उसमें डिवाइड राज्यों पर, राज्यों में सीएम और गवर्नर होते हैं, तो वो सारा कुछ अपने अंडर में लेते हैं पूरे राज्य को, और शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं, ठीक है, उसमें तमाम कानून बनते हैं शांति और व्यवस्था में।
अब देखिए पुलिस, आपने सुना होगा पुलिस आता है, ये भी क्वेश्चन कि पुलिस कौन सी सूची में आता है, तो आपने सुना होगा कि भाई एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये सारे कुछ राज्य के हिसाब से पुलिस आप देखे होंगे, कंधे पर स्टार लगा, बड़े मस्त लगा, विल लगा रहता है सब कुछ, तो ये सब आप पता है कि ये सब किसके अंतर्गत आता है, राज, ठीक है, क्योंकि राज्य अलग अलग कौन कौन से राज्य में वो सब नोट रहता है, ठीक है। अब देखिए जेल, अगर पुलिस है तो जेल होगा, तो नो डाउट ये भी कंफर्म है। देखिए स्थानीय शासन यानी कि दोस्तों गांव से संबंधित आप समझ लीजिए, पंचायत वगैरह सारे कुछ होते हैं, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में तमाम स्थानीय शासन होते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य में, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। अब देखिए कृषि आता है, अब देखिए कृषि का सीधा सीधा आप समझिए कि हम फसल उगाए तो उसको डायरेक्ट कहाँ लेकर जाते हैं, मंडी पर, मंडी जो कि होती है, ठीक है, नजदीकी मंडी वाली, तो वहां पर हम सेल कर देते हैं उसको, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि भैया ये तो राज्य के सर अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब देखिए जन स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य संबंधी आप सुने होंगे कि सदर, बड़े बड़े सदर में होते हैं, सदर जिला अस्पताल जो होते हैं उनको जिला अस्पताल या सदर बोला जाता है, या बड़े बड़े जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको लिंक हो जाएगा थोड़ा सा कि हाँ भाई ये तो राज्य, ठीक है, सबके लिए है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य यानी कि सदर वगैरह, तो थोड़ा से राज्य आपको याद आ जाएगा। अब देखिए राज्य के अंतर्गत व्यापार भी जो आते हैं, व्यापार, न्याय, विभाग, ये सारे कुछ आते हैं अगर राज्य के अंतर्गत, अगर बाहर आते हैं जिसे तो अपना केंद्र सरकार में पहुंच जाएगा, ठीक है, केंद्र, और इसमें अगर अंदर आ रहा है उसके अंतर्गत आ रहा है राज्य के, तो भाई साहब राज्य इसमें कानून बनाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको यही समझ में आया होगा। अब देखिए समवर्ती सूची आती है जो कि लास्ट है, क्योंकि दोस्तों आप एक बार समझ जाते हैं तो रियल में सब कुछ पक्का हो जाएगा। देखिए समवर्ती सूची इसमें दोनों दोनों मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है, लेकिन अगर राज्य सरकार कानून बनाया है लेकिन उसके उपरांत केंद्र सरकार भी कानून बना देती है तो इसका कानून माना जाएगा केंद्र सरकार का, और उसके उपरांत वो राज्य सरकार का कानून रद्द और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है कि किसका मान्य होगा, जो बड़ा होगा उसी का मान्य होगा, जो कि केंद्र सरकार ही बड़ा तो उसी का कानून मान्य होगा, अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है, माना जाएगा, और राज्य सरकार का कानून रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ये। अब देखिए इसमें विषय है जो कि 47 विषय थे जब लागू हुआ संविधान, लेकिन अब 52 विषय है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको ये विषय तो कंफर्म याद हो होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से लगाना मुश्किल होता है कौन सा विषय किस में लगाऊं। देखिए बीच यानी कि राज्य सूची बीच में आती है, तो जो बीच में होता है उसको हमेशा कम मिलता है, ठीक है, कम बोलते ना कि बीच में होता हो तो अधिकतर वो कम पाता है हमेशा, तो कम से दोस्तों 66 से 61 हुए, ठीक है, तो कम किस में जाएगा, कम किस में हुआ, 66 से 61 इसमें कम हुआ, तो कम बीच वाले में जाएगा, और बीच वाला राज्य सूची में आता है, तो इस तरह आपको ये कंफर्म रहेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यानी कि केंद्र सरकार होता है, और केंद्र सरकार बड़ा यानी कि विषय भी बड़ी, तो 100 और 97 बड़ा बड़ा याद आ जाएगा आपको, और उससे यानी कि कम हुआ किसमें घटा, तो भाई साहब घटा बीच वाले में, यानी कि जब घटता है या फिर कम पाता है बीच वाला, तो कम से आपको राज्य सूची याद आ जाएगी, और लास्ट में आती समवर्ती सूची, और इसमें तो भाई सबसे कम है भाई, क्योंकि सबसे लास्ट में तो सबसे कम आप 47-52 यानी कम है यार सब अंकों से, तो आपको यहाँ से ये याद आ जाएगी, हाँ सबसे कम है तो नीचे जाएगा जो कि समवर्ती सूची समान है भाई, ठीक है। अब देखिए हम इसको विषय याद करते हैं ट्रिक से, क्योंकि दोस्तों ये तो याद हो जाए लेकिन इसमें ये थोड़ा सा डाउट होता है, तो देखिए आप समझिए ध्यान से। देखिए दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए याद रखेंगे फौजदारी बोलते हैं ना, फौजदारी करने में तभी मजा आती, देखिए समवर्ती को आप समान समझिए यानी इक्वल समान, ठीक है। देखिए फौजदारी या दीवानी उस तरह आप समझिए, फौजदारी जो बोलते हैं ना लड़ाई झगड़ा, अगर करने में तभी मजा आती जब टक्कर का हो यानी समान हो, ठीक है, दोनों पार्टी समान हो तब फौजदारी करने में मजा आती है, ठीक है। इस तरह आपको याद आ जाएगी कि हाँ समान यानी समवर्ती, फौजदारी करने में समान होना चाहिए, तो आपको फौजदारी याद आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर विवाह, तो विवाह को ऐसे याद करेंगे, विवाह व तलाक तो एक ही है दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ लीजिएगा। अब देखिए विवाह, तब विवाह आप समझिएगा समवर्ती नहीं समान, विवाह भी जब भी होता है तो भाई हमारे भारत में चलता है दोस्तों क्या कि एक जाति का वो है, एक जाति है यानी समान जाति के होना चाहिए तभी वो विवाह करते, या फिर देखते होंगे आप गरीबी अमीरी से भी लोग करते हैं विवाह, अगर अमीर है तो अमीर का ही घर देखे, गरीब है तो गरीब का ही जाएगा, ठीक है, यानी समान होना चाहिए। यहाँ पर समवर्ती समान, समान से विवाह भी जहाँ करते समान ढूंढते भाई, समान अपना
यानी लेवल वाला ढूंढते भाई साहब। तो विवाह आपको कंफर्म हुआ, ठीक है, विवाह हो गया, तलाक हो गया, तो दोनों इक्वल है। अब देखिए शिक्षा आती है इसको कैसे कंफर्म, क्योंकि दोस्तों ये डाउट आपको कर सकती है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा पर कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, समवर्ती सूची इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर शायद आप राज्य सूची पर चले जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको शिक्षा पर ध्यान रखना कैसे। देखिए शिक्षा यानी समान, शिक्षा क्या है हमारे भारत में, समान कोई भी अमीर भी हो, गरीब से गरीब हो, कुछ भी हो, सबके लिए निःशुल्क यानी समान है भाई सब, समान समवर्ती समान है। यहाँ से आपको याद हो कोई भी बच्चा 14 साल से कम है तो वो समान शिक्षा ले सकता, किसी का भी हो, ऊंचा हो या नीचा हो, समान शिक्षा लेता है यानी समवर्ती समान, ठीक है, याद हुआ ना। अब देखिए आर्थिक नियोजन है दोस्तों, यहाँ से आप समझिए कि आर्थिक यानी फाइनेंशियल। अब देखिए जहां पर होता है ना कि अगर रुपये पैसों की बात आती है तो समान, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी जॉब वॉब करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप चाहे जितना जमींदार के लड़के हों या फिर मोची के लड़के हों, आपको जो पैसा मिलेगा भाई सब समान मिलेगा, समवर्ती समान मिलेगा, यानी आर्थिक जो भी समस्या होगी भाई समान मिलेगी चाहे जो भी हो, ठीक है, ये आपको याद हुआ। अब देखिए अगला क्या है, अब बिजली आता है। अब देखिए बिजली कैसे आपका याद कर सकते हैं, बिजली अब घर में आती हो बिजली, ठीक है, अब बिजली भाई साहब अगर किसी को क्या हुआ लग गई, ठीक है, जर्क मार दिया, तो भाई साहब आप चाहे काले हो या गोरे या ऊंचे हो या छोटे कुछ भी हो, बिजली ये नहीं देखती भाई, वो समान ही करंट मारेगी, ठीक है, आप चाहे जितना हो चाहे जितना पैसा वाला हो, समवर्ती समान ही करंट मारेगी चाहे जो कुछ हो, ठीक है, इस तरह आप बिजली को भी कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए समाचार पत्र आता है, ठीक है, यानी समाचार आप भाई गोरे हो काले हो ऊंचे हो बड़े हो, यानी समाचार पत्र कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी अपने घर पर मंगवा सकता है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ समाचार से याद है यानी समान, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं याद कि समान लोगों की चाहे वो जितना भी बड़ा छोटा हो, समवर्ती समान लोगों की इसमें न्यूज छपती है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, वो कुछ अलग ही छापते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ओनली ट्रिक से समझना है तो समान से याद कर लिए, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। आप देखिए श्रमिक आता है, श्रमिक तो यहाँ से हमने याद ही कर लिया था, यानी आर्थिक का मतलब है श्रमिक, यानी कि श्रमिक या फिर आप नौकरी पेशा वाली समझिए, कोई भी ऊंचा या फिर छोटा परिवार को हो उसको श्रम करेगा यानी कि मेहनत करेगा, समान पैसा मिलेगा, ठीक है, स्त्री हो या पुरुष कुछ भी हो समान पैसा मिलेगा श्रमिक संघ, ओके। और वन आता है दोस्तों, वन आदि, वन वन भी आप देखिए दोस्तों एक जीव है लेकिन स्थायी है, वो नहीं देखता आप कौन हो कौन हो, वो लकड़ी देगा आपको, छाया देगा आपको, ऐसा नहीं कि कोई दुष्ट आदमी पेड़ के नीचे बैठ गए तो उसको छाया नहीं देगा, ऐसा तो होता नहीं, या फिर अच्छा आदमी बैठ गए तो उसको ज्यादा कुछ देता, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यानी समान लोगों को देता क्या, वृक्ष भी छाया देता, समवर्ती समान। तो दोस्तों इस सारे कुछ आपके माइंड में फिट हो गए होंगे, अब देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया, कोई भी विषय जो भी यहाँ पर रिटन है तो उसको आप बोल कर देखिए, सच में आपको याद हो, जैसे कि आता है शिक्षा भाई, शिक्षा क्या समान लोगों को मिलती है यानी समवर्ती। अब देखिए जैसे पुलिस आता है, पुलिस में आप देखेंगे MP पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कुछ भी स्टेट वाइज रहते हैं पुलिस, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट से यानी कि क्या आ जाएगा, राज्य सूची, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई बाहरी आक्रमण या फिर प्रमाण या फिर ऐसा कोई समझिए कि युद्ध वगैरह, तो ये सब किस में आएंगे, तो भाई साहब ये तो केंद्र सरकार के आएंगे, ठीक है, केंद्र सरकार इन पर कानून बनाएगी। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहे, कोई भी आप मुझे लगता है डाउट नहीं होंगे, ठीक है, इसमें डाउट होते तो हम आपको एक बारी बारी से बता दिए, ठीक है जी। विवाह वगैरह, विवाह नहीं समान लेवल से करते हैं, ठीक है, समान से समवर्ती, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे कुछ आपको समझ में आएंगे, सच में अगर समझ में आए हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं इसी तरह के धांसू ट्रिक के साथ, जो भी डाउट टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।